फिर कालू कौवा उड़ता हुआ तोते महाराज के पास जा पहुंचा। कालू कौवा अपने साथ कुछ दाने भी लेकर गया था। तोते महाराज, मैं शहजादी लीसा को ठीक कर सकता हूँ। मैं ये अपने साथ कुछ दाने लाया हूँ। शहजादी लीसा अगर ये दाने खाएंगी तो वह ठीक हो जाएंगी। अच्छा कालू कौवे, अगर ऐसी बात है तो शहजादी लीसा इसे जरूर खाएगी। फिर शहजादी लीसा उन दानों को खा लेती है। काफी देर हो जाती है लेकिन शहजादी लीसा की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे जब तुम्हें इलाज करना आता ही नहीं है? आइंदा के बाद तुम यहाँ पर मत आना। इसी तरह कुछ और पक्षी भी आते हैं लेकिन उनके भी इलाज से शहजादी लीसा ठीक नहीं होती। उसी जंगल में एक बहुत ही गरीब चिड़ा भी रहता था। वह चिड़ा एक लकड़हारा था। वे चिड़ा अमीर पक्षियों को कुछ पैसे लेकर उन्हें घर बना कर दिया करता। बस उन्हीं पैसों से जो भी उसे दाना मिलता वह उसे खाकर अपना गुजारा करता। उस चिड़े को भी महाराज के ऐलान के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वे भी शहजादी लीसा के इलाज के लिए जाना चाहता था। अरे मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ, चलो उन्हीं जड़ी बूटियों को लेकर तोते महाराज के पास चला जाता हूँ। क्या पता उससे शहजादी लीसा की तबीयत ठीक हो जाए। यही सोचकर वे लकड़हारा चिड़ा तोते महाराज के पास जा पहुँचा। अरे तोते महाराज, मैं कुछ इलाज जानता हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं शहजादी लीसा को ये कुछ जड़ी बूटियाँ खिला दूँ। हाँ हाँ चिड़े, अगर इससे शहजादी लीसा ठीक होगी तो जरूर खिला दो। अगर मैं ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी लीसा से करवा दूंगा, और तो और तुम्हें अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा भी दे दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए। मैं शहजादी लीसा से शादी करूंगा और उन्हें अपनी छोटी सी झोंपड़ी में ही रखूंगा। ये बात सुनकर तोते महाराज बहुत ही हैरत में होते हैं, लेकिन उन्हें चिड़े से कोई भी उम्मीद ना थी कि वो शहजादी लीसा को ठीक कर पाएगा। फिर शहजादी लीसा उस चिड़े लकड़हारे की कुछ जड़ी बूटियाँ खा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद शहजादी लीसा की तबीयत काफी बेहतर हो जाती है। चलिए तोते महाराज, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ दिनों में शहजादी लीसा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वे चिड़ा लकड़हारा वापस चला गया। फिर कुछ ही दिनों में शहजादी लीसा बिल्कुल ही ठीक हो गई। फिर एक दिन चिड़ा लकड़हारा तोते महाराज के पास आया। अरे तोते महाराज, अब तो शहजादी लीसा बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब तो आपको उनकी शादी मुझसे करवा देनी चाहिए। चिड़े लकड़हारे की इसी बात पर तोते महाराज बहुत ही परेशान थे। वे सोच रहे थे, अरे मैं अपनी बेटी की शादी एक लकड़हारे से कैसे कर दूं? और वो तो अपनी उस झोंपड़ी में शहजादी लीसा को रखने वाला है। अरे अब मुझे कुछ और ही करना होगा। अरे हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, इसको किसी ऐसी जगह पर भेज देता हूँ जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। अरे हाँ हाँ चिड़े, अब तो तुम हमारे बहुत ही खास हो। तुम एक काम करो, जंगल के सबसे ही किनारे पर जाकर एक सुनहरा फूल लेकर आओ। वह सुनहरा फूल शहजादी लीसा को बहुत ही पसंद है। अच्छा ठीक है महाराज, ऐसी बात है तो मैं ये फूल अभी लेकर आता हूँ। फिर लकड़हारा चिड़ा वहाँ से वापस चला गया। अब तो रोजाना ही तोते महाराज चिड़े को बहुत ही दूर दूर भेजा करते, लेकिन चिड़ा तो बहुत ही फुर्तीला था, वे शाम तक वापस आ जाता। तेरी पिताजी, ये बहुत ही गलत बात है। आपने तो सभी पक्षियों को कहा था कि जो भी मेरा इलाज करेगा आप उससे मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन तोते महाराज शहजादी लीसा को किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। फिर एक दिन लकड़हारा चिड़ा दोबारा से तोते महाराज के पास आया और वही बात करने लगा। अब तो तोते महाराज बहुत ही परेशान थे, तभी उनको एक योजना सूझी। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इसे समुंदर की तह से हीरे लाने के लिए कहता हूँ। ये समुंदर में जाएगा और डूब कर मर जाएगा। अरे चिड़े, एक काम करो, समुंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ, वो भी शहजादी लीसा को बहुत ही पसंद है। ये सुनकर वे चिड़ा भागा भागा समुंदर की तरफ गया। वे चिड़ा पानी में जाने से घबरा रहा था, तभी उसकी नज़र एक मछली पर पड़ी जो सूखी मिट्टी पर पड़ी थी। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई वापस से पानी में डाल दो वरना मैं मर जाऊंगी। ये देखकर उस चिड़े ने फौरन से उस मछली को दोबारा से पानी में डाल दिया। पानी में जाने के बाद वे मछली बहुत ही खुश हुई।
अरे चिड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मछली रानी, मुझे बहुत ही जरूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो हीरे चाहिए थे, लेकिन मैं अगर पानी में जाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा। एरी तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं समुद्र की तह में जाकर तुम्हें हीरे लाकर दे देती हूँ। फिर वे मछली उस चिड़े को वे समुद्र से हीरे लाकर दे देती है। तोते महाराज को यकीन था कि वे चिड़ा दोबारा से वापस जरूर आएगा, इसीलिए वो एक और योजना बनाते हैं। तोते महाराज पूरे ही जंगल में झूठी खबर फैला देते हैं कि शहजादी लीसा मर चुकी है। फिर वे चिड़ा वो हीरे लेकर तोते महाराज के पास आ जाता है। अरे चिड़े, अब तो तुमने बहुत ही देर कर दी है ये हीरे लाने में। अब शहजादी लीसा इस दुनिया में नहीं रही है, तुम्हारे जाते ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और अब तो वो मर चुकी है। तोते महाराज ने शहजादी लीसा को करीब ही एक झोपड़ी में छुपाकर रखा हुआ था। वहाँ पर शहजादी लीसा की देखभाल के लिए एक और मुलाजिम भी थी। फिर रात होते ही शहजादी लीसा उसी झोपड़ी में सो गई। आधी रात होते ही वहाँ पर एक चील आ गई। उस मुलाजिमा ने चील को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर चील शहजादी लीसा को अपने साथ ही ले गई। सुबह होते ही तोते महाराज के हुक्म पर सारे सिपाहियों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन शहजादी लीसा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। तोते महाराज बहुत ही शर्मिंदा हुए कि उनकी गलती की वजह से शहजादी लीसा अपनी जान से हाथ धो बैठी। अरे मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैंने शहजादी लीसा को गुर्बत से बचाने के लिए उसको मौत के मुँह में धकेल दिया। लेकिन शहजादी लीसा अभी भी जिंदा थी। जब चील शहजादी लीसा को लेकर जा रही थी तो चिड़े ने देख लिया था। चिड़ा शहजादी लीसा को देखकर उस चील के पास गया और अपनी जान को खतरे में डालकर शहजादी लीसा को फिर से बचा लिया। फिर चिड़ा शहजादी लीसा को अपने छोटे से घोंसले में लेकर आ गया। थोड़ी देर बाद जब शहजादी लीसा की हालत ठीक हुई तो वे चिड़ा तोते महाराज के पास लेकर शहजादी लीसा को चला गया। तोते महाराज शहजादी लीसा को जिंदा सलामत देखकर बहुत ही खुश हुए, और साथ ही साथ तोते महाराज बहुत ही शर्मिंदा भी थे कि जिस लकड़हारे चिड़े के साथ उन्होंने इतना बुरा किया उसने उनकी बेटी को दो दो बार बचाया। फिर तोते महाराज ने चिड़े लकड़हारे से अपनी माफ़ी मांगी। अरे मैं तो समझता था कि शहजादी लीसा को सिर्फ महल में ही खुशी मिलेगी, लेकिन तुमने अपने छोटे से घोंसले में उसका इलाज करके साबित कर दिया कि खुशियाँ दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। फिर तोते महाराज ने शहजादी लीसा की शादी चिड़े से कर दी, और शहजादी लीसा की ख्वाहिश पर उसने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए।